नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें करनाल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे NH 44 की देख रहे हैं, जहां पर एक भयंकर हादसा हो जाता है। एक टंग आप देख सकते हैं कि दूध की गाड़ी है, दूध का एक बड़ा कैंटर था जिसको ब्रेक आगे से लेता है। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें करनाल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे NH 44 से देख रहे हैं, जहाँ पर एक भयंकर हादसा हो जाता है। एक दूध किया कैंटर जो कि ब्रेक ले लेता है अचानक से, आगे इसके सामने एक डंपर चल रहा था वो अचानक से ब्रेक लेता है और ये ब्रेक इनके अचानक से नहीं लग पाते चालक के, और ये देख सकते हैं एक बड़ा हादसा हो जाता है अचानक से ब्रेक ना लेने के कारण, और अगला वाहन अचानक से ब्रेक ले लेता है जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो जाता है। हालाँकि जो चालक था वो सुरक्षित है और जो इसके आगे चल रहा था वो डंपर था वो अचानक से ब्रेक लेता है और इनके ब्रेक नहीं लगते अचानक से एकदम, क्योंकि तेज़ रफ्तार में होते हैं वाहन NH 44 नेशनल हाईवे पर, और अचानक से ब्रेक लेने के कारण भी कई बार बड़े हादसे होते हैं, और ये हादसा भी इसी प्रकार से हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कैंटर जो है, दूध का ये कैंटर था, ये किस तरह से पूरी तरह से आगे से डैमेज हो चुका है। इसकी जो कैबिन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, अगर कोई हेल्पर इस सीट पर बैठा हुआ होता तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या हुई होती। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूध के ये कैंटर है, दूध लेकर जा रहा था सुबह 5 बजे दिल्ली की ओर, और करनाल से ये चला था, और करनाल जब ये पहुंचता है सेक्टर 12 हाईवे के पास, पुल के पास जब ये पहुंचता है तो इसके आगे आगे एक डंपर चल रहा था जो कि अचानक से ब्रेक लेता है, और इस दूध के जो कैंटर था इस चालक से ब्रेक नहीं लगते और ये बड़ा हादसा हो जाता है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह डैमेज हो चुका है। हमारी अब सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें और सड़क नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि अचानक से ब्रेक लेने के कारण ही ये बड़ा हादसा हुआ है, और सड़क नियमों का पालन अवश्य करें। आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वारल हरियाणा से। हमारी गाड़ी नहीं रुक पाई थी। फिर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी? नहीं, हमारी 50-55 की स्पीड थी। हादसे किस टाइम हुआ था? हादसा हुआ 5:30 बजे सुबह का। कोई कैंटर था आगे? डंपर था, बड़ा डंपर था। अचानक इमरजेंसी ब्रेक ले लिए, ब्रेक लेने पर कट मार दिया, हमारी गाड़ी रुक ना पाई थी, खाली गाड़ी थी। और कोई नहीं, हमारा हम ठीक हैं, हमारी गाड़ी का ही नुकसान है, 4-5 लाख रुपए का है ये गाड़ी का नुकसान है। हाँ, सारा खराब हो गया, सारा ही ख़त्म हो रही गाड़ी हमारी, गाड़ी सारी। डंपर वाला भाग गया, कोई तक अभी कार्रवाई कुछ नहीं है, पुलिस वालों रुका भी नहीं डंपर वाला, नहीं वो भाग गया भाई, एकदम अचानक भाग गया वो, पिछली बाल्टी में लगा होगा। हाँ, देख नहीं रहे सारा कहाँ तक पार दी गाड़ी। कहाँ से आ रहे थे? हम करनाल से आ रहे थे, वहाँ जा रहे थे दिल्ली मंगोलपुरी। अब तो खाली गाड़ी है, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है।